वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आ गई हूं मैं नवरात्रि डाइट प्लान के साथ। और सबसे पहले मैं मॉर्निंग में आपसे यही बोलना चाहूंगी कि हैप्पी नवरात्रि एंड गुड मॉर्निंग। आप सबका नवरात्र अच्छा अच्छा सा बीते, माता रानी आप सब पर कृपा करें। तो अब बात आती है कि नवरात्रि डाइट प्लान की। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम जो इंडियंस हैं वो नवरात्रि में कार्बोहाइड्रेट की तरफ बहुत भागते हैं, जो कि हमारा वेट लॉस करने की जगह पे वेट गेन कर देता है। तो इस डाइट प्लान के साथ आपको 12 ग्लास पानी पीना ही पीना है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। और बहुत ही सस्ती चीज़ों के साथ मैंने आपके साथ ये डाइट प्लान शेयर किया हुआ है। और बहुत ही हेल्दी वे में बहुत ही अच्छे से आप वेट लॉस करोगे। यानी कि अगर इस डाइट प्लान को आपने प्रॉपर तरीके से आपने इसे फॉलो किया तो आप 6 to 7 kg वेट लॉस करोगे, जो आपका गेन नहीं होगा। जब आप नॉर्मल खाने पे आओगे तो सबसे बड़ी बात है वो गेन नहीं होगा। और बहुत सारी लिक्विड चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग नमक प्रेफर नहीं करते हैं वो भी इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। 3 to 4 मील में मैंने इसे कन्वर्ट किया है। आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी लेंगे, मिड मील भी लेंगे, लंच भी लेंगे, पोस्ट लंच ड्रिंक भी लेंगे, आप इवनिंग स्नैक भी लेंगे, आप नाइट भी लेंगे। तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितने भी डाइट प्लान शेयर किए हैं उन सबसे ये अलग है। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग का जो ड्रिंक है वो लेना है, जीरे वाला पानी। उसके इसी के साथ आप थायराइड की दवा लेते हो या बीपी की दवा लेते हो, कोई भी लेते हो आप, वो ले सकते हो। प्लस आप ले सकते हो जो मैंने आपको स्वेलिंग वाली टी बताई है वो आप ले सकते हो, उससे भी काफ़ी बेनिफिट होगा। अब बात आती है सुबह के नाश्ते की। तो नाश्ते में जो हम फर्स्ट ले मैं ऑप्शन 3-4 दे रही हूँ, ये नहीं बोलूँ कि सारी चीज़ें एक साथ खानी है। आप फल प्लस दूध, जो कम घी वाला आता है आपको वो लेना है। सेकंड ऑप्शन में दूंगी, आप ले सकते हैं फ्रूट शेक। आप फ्रूट शेक ले सकते हैं, ठीक है। और प्लस 6 बादाम आपको लेना है। थर्ड चीज़ आप ले सकते हैं राजगिरा, यानी कि आपको मैं बोलूँ तो जो रामदाना होता है बहुत इजी और बहुत ही सस्ता मिल जाता है, रामदाने की खिचड़ी आपको लेनी है। आप खिचड़ी ले सकते हो या फिर लो फैट जो मिल्क आता है उसमें आप रामदाना डाल के खा सकते हो विद हनी, ठीक है। उसके बाद आपको मिड मॉर्निंग क्या करना है, यानी कि इसके बाद आपको क्या करना है, नाश्ते के 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको क्या करना है। इसमें भी मैं ऑप्शन लूंगी, आप ले सकते हैं नींबू वाला पानी, नींबू पानी प्लस आपको फल लेना है। सेकंड ऑप्शन में आप दूंगी कोकोनट पानी प्लस फल आप ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपको दूंगी ग्रीन टी। फोर्थ ऑप्शन में आपको दूंगी चिया सीड्स वाला पानी, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि आपको कैसे लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं लंच की बात करूं, यानी कि दोपहर के खाने की, तो फर्स्ट ऑप्शन मैं दूंगी वो है साबू दाना का चिल्ला, ठीक है, प्लस धनिया की चटनी। सेकंड ऑप्शन मैं दूंगी आपको सामक राइस, जो आता है सामक वाला चावल प्लस दही और जो मूंगफली की कढ़ी
प्लस सलाद प्लस रायता, ठीक है, ये आप ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन मैं दूंगी आप जो कुट्टू के आटे की रोटी मामा प्लस लौकी की सब्जी प्लस रायता प्लस सलाद, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो दूंगी, इसके बाद आपको लेना है एक ग्रीन टी, आपको ग्रीन टी लेना है इसके आधे घंटे बाद, लंच के आधे घंटे बाद। अगर मैं शाम के नाश्ते की बात करूं, ठीक है, इसमें आप ले सकते हो ग्रीन टी प्लस आपको लेना है नट्स, नट्स ले सकते हैं प्लस आप मखाना ले सकते हैं रोस्टेड, ठीक है, प्लस आप रामदाना के एक लड्डू ले सकते हैं। रामदाना अगर आप लेंगे अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो मैं बता नहीं सकती कि आपको कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे लंच डिनर लिखती हूँ। अब मैं डिनर की बात करूँ तो आपको लेना है बहुत ही टेस्टी पनीर टिक्का, आई थिंक हर किसी को बनाना आता है, नहीं बनाना आता तो कोई यूट्यूब चैनल निकाल के देख लीजिए। उसमें आपको मिल्क अगेन प्लस फल ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दूँ तो दही प्लस खूब ढेर सारा आप सलाद ले सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन दूँ तो आप कद्दू प्लस लौकी का सूप और प्लस पनीर क्यूब्स डाल के ले सकते हैं। तो ये सारा डाइट प्लान आपका हो गया है जो मैंने बहुत ही अच्छे से रेडी किया है। अगर आप इन सारी चीज़ों को लेंगे तो बॉडी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इवन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी आपकी स्किन, वेट आपका बढ़ेगा नहीं घटेगा और पेट आपका बहुत अच्छे से भरे रहेगा, आपको बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन जो लोग नमक नहीं प्रेफर कर सकते हैं वो करते हैं, वो भी इस डाइट प्लान को ले सकते हैं। तो एक बार इस डाइट प्लान को ज़रूर अपनी नज़र डालिएगा कि इसमें मैंने ऐसी कौन सी भी, मैंने जो रामदाना मंगाया था वो 159 रुपीज़ में 400 ग्राम मंगाया था, और आप सोच सकते हैं ये इतना हल्का होता है कि 400 ग्राम में आपका पूरा जो 7 से 8 दिन होते हैं वो निकल जाएंगे। तो कोई भी मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली वाली चीज़ नहीं बताई है, एक बार ट्राई करिएगा, अगर अच्छा लगे वेट लॉस हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा ये अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा और बहुत सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद मैंने ये डाइट प्लान तैयार किया था, तो वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।